रहमान रहीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, जैसे कि पाकिस्तान में फीचर फ़ोन के अंदर स्मार्टफोन की क्वालिटी वाला जो मोबाइल फ़ोन सबसे पहले मुतारफ़ कराया गया, उसको डिजिट कहते हैं। इसके CEO अब्दुलरहमान साहब हैं। बड़ी तेज़ी से इन्होंने पाकिस्तान भर में अपनी जगहें बनाई और पाकिस्तान के जो मीडियम तबके के लोग थे, जो बेसिकली स्मार्टफोन को इस्तेमाल अमूमन कर नहीं सकते थे, उनके लिए एक रहमत का बाइस हुआ। इसके अलावा जो महंगे सेट स्मार्टफोन के नहीं ले सकते और उसके अंदर स्मार्टफोन के फंक्शन चाहते हैं, जिसमें के व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, जो भी दूसरी चीज़ें हैं जो अमूमन स्मार्टफोन के फीचर्स होते हैं, वो सोशल मीडिया के वो इसमें मौजूदगी की वजह से इसको अहमियत देते हैं। जो लोग नहीं ख़रीदारी कर सकते वो इसमें तरजीह दे रहे हैं। ये तमीज़ इस वजह से मानी कि आप ये समझ सकें कि पाकिस्तान में डिजिट और मारूफ़ डिस्ट्रीब्यूटर इदारे सीकोटेल का इश्तराक हो गया है और सीकोटेल ने डिजिट की डिस्ट्रीब्यूशन हासिल कर ली है। और ये मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुका था कि एक इदारा है, लेकिन अभी तक मामलात नॉर्थ के बातचीत में हल होने की तरफ जा रहे हैं वहाँ के। अभी तक अब जो है सिर्फ सेंट्रल और साउथ की डिस्ट्रीब्यूशन सीकोटेल को, जिसके CEO उस्मान सुल्तान है, हासिल है। अब नॉर्थ के लिए बातचीत जारी है। बेसिकली ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, ये एक ब्रांड और एक बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन इदारे का इश्तराक है, जिसके बाइस दोनों में इश्तराक होने की वजह से जो छोटी मोटी कमी रह जाती है उसको दूर करने में मदद मिलेगी और पाकिस्तान में दोनों का नेटवर्क मज़ीद मज़बूत होगा। तो इन दोनों को मुबारकबाद। और साथ साथ आपको, क्योंकि इसके हवाले से ही खबर चल रही है, तो मैं आपको बताता चलूं कि सीकोटेल जिसके सरबराह उस्मान सुल्तान है, उन्होंने अपनी एक पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान ब्रांड का भी अजर किया, जिसे सेगो कहते हैं। और गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको यूट्यूब पे यह भी बताया था कि 1,20,000 एक्सपोर्ट किए मुत्तहिदा अरब इमारात और अफ्रीका के लिए, इसमें ब्रांड इनकी थी और इश्तराक जो है वो यानी असम्बलिंग का वो इनोवी टेलीकॉम का था, जिसके सरबराह CEO जो है ज़ीशान मियां नूर हैं। और इसी तरह उनके इश्तराक से, उनकी मेहनत से ये एक ब्रांड सीगो जो है वो एक्सपोर्ट हुआ और 1.25 लाख के करीब हुआ, जिससे खतीर सरमाया हासिल हुआ पाकिस्तान को। यहीं मैं आपको ये भी खबर देता चलूँ, बल्कि ब्रेक कर रहा हूँ, कि अब पाकिस्तान में भी सीगो जो है वो तेज़ी से अपना मुकाम बनाएगा। इसके कई मॉडल 5 के करीब हैं, वो लॉन्च हो रहे हैं। इसके लिए बाकायदा एक प्रोग्राम तय कर लिया गया है कि इसमें पाकिस्तान में मतलूबा तादाद तक जो स्टॉक आ जाएगा, तो यहाँ एक छोटी मोटी तकरीब का भी इनेकाद का प्रोग्राम है, जिसको आप समझ सकते हैं दोस्त अब उसमें शिरकत करेंगे। ये पूरे पाकिस्तान के लिए और सर्विस सेंटर कई इसके लिए खोले जा रहे हैं स्पेशली, क्योंकि PTA की नई पाबंदी के तहत अब कोई भी ब्रांड अपने सर्विस सेंटर के बगैर नहीं चलता। सर्विस सेंटर पर मैं आपको स्टोरी इंशाल्लाह 1-2 दिन में दूँगा कि हो क्या रहा है सर्विस सेंटरों में, ये अलहदा कहानी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सर्विस सेंटर भी खोलेंगे उस्मान सुल्तान और उनकी टीम। इसी तरह ज़ीशान मियां नूर अपनी टीम के साथ इसको मज़ीद मज़बूत करेंगे असम्बलिंग प्लांट के ज़रिए। तो ये एक अच्छी बात है, जिससे पाकिस्तानी जो अपने मेड इन पाकिस्तान के नाम से जो आ रही है वो भी हासिल कर सकेंगे। दूसरे दोस्त भी हमारे मेड इन पाकिस्तान की जो है असम्बल इन पाकिस्तान और मेड इन पाकिस्तान के हिसाब से चला रहे हैं, उन सबको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। लेकिन बहरहाल ये चल रही है। अब इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जाने से पहले आपको फिर मैं एक अपील करता चलूँ कि आप अपने छोटे दुकानदारों को अपने साथ मिलाएं, उनके साथ तआवुन करें, उनको स्टॉक की फरहमी करें, क्योंकि वो बेरोज़गार और डिफ़ॉल्ट होने से बच सकें। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।